मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस इम्पोर्टेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं जैसे जैम है, जेली है, मार्मलेड है, इन सबको अपने डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जैम की, फिर जेली की, फिर मार्मलेड की। ओके, तो जैम की बात कर लेते हैं। जैम इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग द फ्रूट पल्प विद सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ शुगर टू ए रीजनेबली थिक कंसिस्टेंसी विद इनफ टू होल्ड फ्रूट टिश्यू इन पोर्शन। ठीक है, तो फ्रूट का जो गुद्दा है, पल्प है, वो अपने काम में लेंगे, साथ ही क्या अपने शुगर काम में लेंगे। इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 68% सोलूबल सॉलिड। जो सोलूबल सॉलिड है वो बिलो 68% नहीं होना चाहिए। जैम में भी मेड फ्रॉम ए सिंगल फ्रूट, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना, पाइनएप्पल, एंड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फ्रूट। ठीक है, जैम कंटेन 0.5 to 0.6% एसिड एंड इन्वर्ट शुगर शुड नॉट बी मोर देन 40%। ठीक है, जो इन्वर्ट शुगर है वो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रूट पल्प की बात करें तो 45% है, TSS 68% है, एसिडिटी 0.5 to 0.6 और वाटर है 33 to 38% होना चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ जैम की बात करेंगे, फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो फुली राइप्ड फ्रूट यूज बी हार्वेस्ट फॉर जैम मेकिंग। फुली राइप पूरी तरह से पके फ्रूट काम में लेते हैं। जैम इज बेस्ट फ्रूट फॉर जैम मेकिंग। जैम, ठीक है, जैम इज बेस्ट फ्रूट नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए एप्पल आएगा एक्चुअल में। ठीक है, गलत लिख दिया इन्होंने, एप्पल कर लेना है। ठीक है, एप्पल इज बेस्ट फ्रूट फॉर जैम मेकिंग। ठीक है, तो उसके बाद पाइनएप्पल आता है, कैरेट है, स्ट्रॉबेरी, बनाना, वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एप्पल लिख लेना, यहाँ एप्पल सबसे बेस्ट फ्रूट है। सेकंड है, पहला सिलेक्शन कर लिया फ्रूट का, सेकंड आ जाता है वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट शुड बी क्लीन्ड विद क्लीन वाटर से, हम क्या उसको साफ कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट शुड बी पिल्ड एंड रिमूव ऑफ कोर मटीरियल फॉर जैम। ठीक है, तो उनसे फ्रूट को पिल कर लेंगे और उसका जो कोर मटीरियल है वो उतार लेंगे अपने। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग इज द हीटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन शॉर्ट टाइम विद आइदर स्टीम और वाटर। ठीक है, पानी के अंदर उसको उबाल लेंगे। ये क्या है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी कराऊंगा स्कूल के अंदर, जब भी स्कूल लगेंगे। ठीक है, अभी तो तुम गाइडेंस के लिए आ सकते हो, लेकिन जब भी स्कूल लगेंगे तो इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। अभी अपने थ्योरी वाला पार्ट कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, एन एसेंशियल स्टेप बिफोर केनिंग, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, दिस हीटिंग प्रोसेस इज नॉट मीन टू कुक द फूड बट टू inactivate substance that would otherwise adversely affect the nutrient content, color and flavor and texture during subsequent processing and storage. ठीक है, कुकिंग विद शुगर, फिर जब ब्लांचिंग अपने कर लिया उसके बाद उसको शुगर के साथ पकाना है। ठीक है, तो फ्रूट पल्प स्टार्ट कुकिंग विद 1/3 क्वान्टिटी विद शुगर, आफ्टर सम टाइम ऐड रिमेनिंग शुगर भी ऐड कर देंगे। पहले 1/3 क्वान्टिटी डालने, फिर रिमेनिंग जो पार्ट है वो डाल देंगे। ठीक है, एडिंग ऑफ सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड की बात करें, फॉर इन्हेंसमेंट फॉर टेस्ट सिट्रिक एसिड शुड बी एडेड एट 100.103। ठीक है, 100 या 103 कह सकते हो, 103 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका रखना है जब सिट्रिक एसिड डालना है, तब 103 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जगिंग ऑफ एंड पॉइंट, जगिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन करना, एंड पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन करना। तो उसके अलग अलग टेस्ट हैं, फर्स्ट है शीट टेस्ट या फ्लेक टेस्ट जिसको बोलते हैं। एक स्मॉल पोर्शन ऑफ जैम इज टेकन आउट ड्यूरिंग बॉइलिंग इन ए स्पून एंड वुडन लैडल एंड कूल्ड स्लाइली इट देन टू अलाउ टू ड्रॉप। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट फॉल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए शीट और फ्लेक इंस्टेंट ऑफ फ्लॉविंग एंड ए कंटिन्यूस स्टीम और सिर्फ इट मीन्स दैट इज एंड पॉइंट हैज बीन रीच। ठीक है, मतलब समझे कि चम्मच में आपको क्या जैम लेना है और चम्मच से क्या है आप वन बाय उसको ऊपर से उल्टाओगे, अगर वो लार की तरह सीधा बह रहा है तो वो एंड पॉइंट पर पहुंच गया और वो पक गया, अगर वो बूंद बूंद कर कर बह रहा है तो फिर क्या है अभी तक वो पका नहीं, उसको और पकाने की जरूरत है और शुगर भी और डालने की जरूरत है। एंड प्रोडक्ट इज रेडी, बॉइलिंग इज ए कंटिन्यू टिल द शीट इज पॉजिटिव। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो 105 डिग्री टेम्परेचर पर जब आएगा तो ये पूरी तरह से जैम पक कर तैयार हो जाएगा। TSS हमारा रहेगा 68% और वेट टेस्ट की बात करें तो टोटल वेट ऑफ जैम 1.5 टाइम इज मोर देन शुगर वेट। ठीक है, जैम इज प्रिपेयर्ड, तो 750 ग्राम इसके अंदर शुगर लेते हैं तो ये 1 किलो से ये बन जाता है करीब करीब 1.25 किलोग्राम जैम बनता है। ओके, 1.25 किलोग्राम जैम बन जाएगा। पैकिंग शुड बी फिल्ड इन ग्लास जार। ठीक है, ग्लास जार के अंदर इसको पैकिंग कर देंगे। स्टोरेज की बात करें तो जैम शुड बी स्टोर्ड एट ड्राई और कूल पैलेस के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, जैम शुड बी कंटेनिंग 30 to 50% इनवर्ट शुगर। जो इनवर्ट शुगर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 to 50% इसके अंदर इनवर्ट शुगर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जैम अक्योर ड्यू टू द लेस देन 30% इनवर्ट शुगर। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जैम जब होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन दानेदार तब बनता है जब शुगर कम रह जाती है। ठीक है, इट कैन बी प्रिवेंट बाय एडिंग ऑफ कॉर्न सिरप और ग्लूकोज अलोंग द केन शुगर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए तुम कॉर्न सिरप का भी यूज़ कर सकते हो या ग्लूकोज का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टिकी एंड गमी जैम इज़ ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ टोटल सोलूबल सॉलिड अब मोर शुगर। ठीक है, अगर TSS जो सोलूबल सॉलिड वो ज़्यादा है तो स्टिकी और गमी जैम बनने लगता है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय एडिंग ऑफ पेक्टिन और सिट्रिक एसिड का तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्री मच्योर सेटिंग इज ड्यू टू लो टोटल सोलूबल सॉलिड एंड हाई पेक्टिन कंटेंट इन द जैम एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडेड मोर शुगर। ठीक है, अगर प्री मेच्योर यानी पहले ही वो सेट होने लग जाए, इकट्ठा होने लग जाए, ज़्यादा पेक्टिन के कारण होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप और शुगर डाल देनी चाहिए ताकि वो पहले ही सेट ना होने लग जाए। ठीक है, पहले ही वो कड़ा ना होने लग जाए। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सरफेस ग्रेनिंग एंड श्रिंकिंग इज कॉज बाय इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ जैम, इट कैन बी अवॉइडेड बाय स्टोरिंग इन ए कूल पैलेस। ठीक है, तो इसको कूल पैलेस के अंदर स्टोर करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जैम शुड बी स्टोर्ड एट 80% ह्यूमिडिटी फॉर अवॉइड माउल्ड ग्रोथ। ठीक है, माउल्ड की अगर ग्रोथ नहीं चाहते हम, चाहते हमारा जैम खराब ना हो, तो 80% ह्यूमिडिटी पर इसे स्टोर करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी जो फ्लो चार्ट है इसका, ठीक है देखो ये प्रैक्टिकल में तुम्हें इसका फ्लो चार्ट बनाना होता है तो फ्लो चार्ट याद करना, प्रैक्टिकल में तुम्हें यही बनाना होगा। ठीक है, पेपर में अगर फ्लो चार्ट पूछता है तो पेपर में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो चार्ट का प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट दिया है, जैसे राइप फ्रॉम राइट फिरम फ्रूट, पके हुए फ्रूट लेने, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वॉशिंग करना है, फिर पीलिंग यानी छिलका उतारना है, फिर पल्पिंग गुद्दा निकाल लेना है, रिमूव सीड और कोर उसको अलग कर लेना है, गुद्दा निकाल लेना है, एडिशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो 750 ग्राम इसके अंदर शुगर डालते हैं, पहले क्या डालेंगे 250 ग्राम डालेंगे यानी 1/3 शुगर डालेंगे, बाद में 500 ग्राम और डाल देंगे। ठीक है, एड वाटर इफ़ नेसेसरी, उसके अंदर कुछ पानी भी डालते हैं, लगभग 300 ml वाटर डाला जाता है, जब जैम बनाएंगे तो 300 ml वाटर डालना है। ठीक है, विद कंटिन्यू स्टेरिंग उसको हिलाते रहेंगे अच्छे से, एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड का भी अपने एडिशन करते हैं, जब वो 103 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाए तो उसको क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड भी मिक्सअप करेंगे, जगिंग ऑफ एंड पॉइंट बाय फर्दर। ठीक है, फिर एंड पॉइंट का भी अपने आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो जो अपने टेस्ट थे सीट टेस्ट वगैरह वो अपने अच्छे से करते रहेंगे, कुकिंग अप टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो पूरी तरह से पक जाएगा, जब TSS होगा 68 तो शीट टेस्ट करके देख लेंगे। फिलिंग हॉट इनटू स्टेरिलाइज बोटल, ठीक है, स्टेरिलाइज का मतलब जीवाणु बैक्टीरिया रहित बोतल के अंदर उसे स्टोर करेंगे, फिर उसका करना है कूलिंग, उसको ठंडा कर लेंगे, फिर वैक्सिंग उसको मोम से बंद कर देंगे ताकि वो उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, और कैपिंग कैप लगा देंगे, और लास्ट में उसे ड्राई कूल पैलेस पर क्या है स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा है जैम आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैम हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल जो है अपने जेली स्टार्ट करेंगे, और मैं स्टूडेंट बता दूं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 11 से 11:30 तुम स्कूल आ सकते हो। ठीक है, वैसे तो वीडियो वगैरह तो अपना चल रहा है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो 11 से 11:30 तुम स्कूल के अंदर आ जाओ, नीचे वाली क्लास है, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, और कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाली तो तुम अच्छे से ये काम कर लेना जो आज करवाया है, कल अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी की बात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।